दोस्तों, हम आपको अपराध नियंत्रण के बारे में बताने जा रहे हैं। पूरा पुलिस विभाग का सिर्फ तीन काम होता है। नंबर एक, अपराध नियंत्रण। दूसरा, अन्वेषण। और तीसरा, अभियोजन। इन तीन कामों में अपराध नियंत्रण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपराध नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या विधि है, विधिक रूप से क्या क्या उपाय हैं और थाना स्तर पर क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता और उसके बनाए रखने हेतु की जाने वाली कार्रवाई क्या है? दोस्तों, कानून व्यवस्था बनाए रखना अपराध नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कानून व्यवस्था भंग होने का जो कारण होता है वह कारण थाना क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। यदि इन कारणों को समय रहते चिन्हित कर लिया जाए और निरोधात्मक कार्रवाई पहले से कर ली जाए तो कानून व्यवस्था भंग होने से रोका जा सकता है। जनपद की कानून व्यवस्था स्थानों से की जाने वाली रोकथाम की कार्रवाई पर निर्भर करती है। थानों पर नियुक्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि उसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है उनका विवरण निम्न है। जैसे संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करना। प्रत्येक पुलिसकर्मी को चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों को पहचाने, तभी कार्रवाई की जा सकती है। जब पहले कार्रवाई करने के स्थानों को पहचान लिया जाए, कार्य क्षेत्र में कौन कौन से मोहल्ले या गांव ऐसे हैं जहां सांप्रदायिक, राजनीतिक या जमीन संबंधी कोई विवाद विद्यमान है और झगड़े की संभावना बनी हुई है, ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जिनके कब्जे पर दोनों पक्षों में विवाद विद्यमान है और झगड़े की संभावना बनी हुई है, ऐसे कौन कौन से औद्योगिक संस्थान हैं जहां प्रबंधक कर्ताओं और श्रमिकों में विवाद विद्यमान है, ऐसे कौन कौन से स्कूल कॉलेज हैं जहां कॉलेज प्रशासन और छात्रों में किसी विषय को लेकर विवाद चल रहा है, ऐसे कौन से स्कूल और कॉलेज हैं जहां लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, ऐसे अपराधी तत्वों को चिन्हित किया जाए जिनका गांव मोहल्ला में भय व्याप्त है, जिनके भय से लोग उनकी शिकायतें नहीं करते हैं, ऐसे कौन कौन से सिनेमा घर हैं जहां पर अक्सर गुंडों का जमावड़ा रहता है, कौन कौन से शराब के ठेके हैं जहां लोग शराब पीकर झगड़ा फसाद करते हैं, ऐसे कौन कौन से मोहल्ले या गांव हैं जहां होली, ईद या चुनाव के समय झगड़े होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह से असामाजिक तत्वों के संबंध में सूचना एकत्रित करना। प्रत्येक बीट आरक्षी को अपने क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति झगड़ा फसाद करते हैं, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने में लगे रहते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के आदि हैं, मादक द्रव्य, अवैध शस्त्रों को बनाते अथवा बेचते हैं, अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, कौन कौन व्यक्ति लोगों से धन की वसूली करते हैं, कौन कौन व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी हैं, कौन कौन व्यक्ति पैसा लेकर हत्याएं फिरौती के लिए अपहरण करते हैं तथा जुए व सट्टे के अड्डे चलाते हैं। थाना अभिलेखों को अप टू डेट रखना। दोस्तों, अपराध नियंत्रण के लिए थाने के अभिलेखों को अप टू डेट रखना अति आवश्यक है क्योंकि इन्हीं से हमें ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनसे हम निरोधात्मक कार्रवाई करने में सफल रहते हैं और अपराध पर नियंत्रण लगा लेते हैं। कुछ
अभिलेखों का विवरण बताया जा रहा है जिन्हें अपराध निरोध के उद्देश्य से अपडेट रखना अति आवश्यक है, जैसे अपराध रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, रिमांड रजिस्टर, जमानत रजिस्टर, क्रियाशील अपराधियों का रजिस्टर, गुंडों का रजिस्टर, बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, हत्या बलवा रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, राजनीतिक पार्टियों का रजिस्टर, राजनीतिक पार्टियों की सूचनाओं का रजिस्टर, पिछले 10 वर्ष में प्रकाश में आए अपराधियों का रजिस्टर, गैर दस्तानदाजी रजिस्टर, गैंग रजिस्टर, संचालित गैंग रजिस्टर, कानून व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारण प्रकरण। ऐसे कौन कौन से प्रकरण हैं जो कानून व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं? जैसे सांप्रदायिकता से संबंधित मामले, राजनीतिक आंदोलन, छात्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, किसानों के आंदोलन, जमीन और मकान संपत्ति के विवाद, गुंडों का आतंक, त्योहारों पर होने वाले उपद्रव, आम जनता की सुरक्षा के मामले, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा, ये प्रमुख कारण हैं जो कानून व्यवस्था पे प्रभाव डाल सकते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लाभ क्या हैं? पुलिस अपराध नियंत्रित करने में सफल हो सकती है, विवेचना का कार्य कम हो जाएगा, आम जनजीवन व्यवस्थित रहेगा, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, इसके प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, पुलिस को जनसहयोग प्राप्त होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने से अन्य और भी लाभ हैं, परंतु ये अति महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। कानून व्यवस्था कायम रखने में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई विशेष रूप से क्या क्या होती है? जैसे प्राप्त सूचनाओं की तत्काल जांच पुलिस स्तर से, उपनिरीक्षक पुलिस स्तर से की जानी चाहिए और सत्यता का पता लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कराने या गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था भंग न होने पाए। विभिन्न प्रकार के भीड़ के नियंत्रण में धैर्य, सूझबूझ, बल प्रदर्शन से काम लेने का प्रयास किया जाना चाहिए और बल प्रयोग अति आवश्यक स्थिति में नियमानुसार कम से कम ही किया जाना चाहिए। पुलिस को अपने कार्यों और आचरण में निष्पक्षता रखनी चाहिए, क्योंकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार से उपद्रव शांत होने के बजाय और बलशाली हो जाता है। संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पिकेट और गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। थाने के अभिलेखों को अप टू डेट रखा जाए, जिसके आधार पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। थाना प्रभारी का कर्तव्य है कि उस संभावित झगड़ों को शांति व्यवस्था को भंग होने से रोकने के लिए और संज्ञेय अपराध की आवश्यक प्रकरणों में वादी और प्रतिवादी पक्ष के मध्य उत्पन्न कटुता की जाँच पुलिस कर्मियों से कराकर उसका समाधान कर लें। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पाबंद करने के उपरांत भी कोई पक्ष उल्लंघन करता है तो उस पक्ष के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 की रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को देकर पाबंद मुचलके की धनराशि जमा कराना चाहिए। थाना प्रभारी के कार्य क्षमता का आकलन भी अपराध नियंत्रण के आधार पर ही किया जाता है। उसके बिंदु इस प्रकार हैं कि किसी थाना क्षेत्र में किस प्रकार के अपराध, जैसे शरीर संबंधी, संपत्ति संबंधी, भूमि विवाद अधिक होते हैं का आकलन करना। थाना प्रभारी द्वारा अपराधों पर नियंत्रण हेतु क्या योजना तैयार की गई है, क्या प्रभारी द्वारा तैयार किए गए कार्य योजना के तहत कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं,
अपराधों पर नियंत्रण हेतु अन्य क्या कार्रवाई की जा रही है, थाना क्षेत्र में पुराने विवादों को लेकर संगीन घटनाओं की रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की गई अथवा नहीं, भूमि विवाद भवन विवाद आदि में धारा 107, 116, 116 3 दंड प्रक्रिया संहिता, 122 दंड प्रक्रिया संहिता, 133 दंड प्रक्रिया संहिता, 145 दंड प्रक्रिया संहिता व 146 CRPC की कार्रवाई की गई है अथवा नहीं। थाने पर पंजीकृत अभियोगों का निस्तारण, पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, न्यायालय से प्राप्त सम्मन नोटिस, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट, कुर्की वारंट, वसूली वारंट के समय पर तामील की जा रही है अथवा नहीं, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिदिन की कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं, सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई अथवा नहीं, प्रचलित दुराचारियों की नियमानुसार निगरानी की जा रही है अथवा नहीं, थाना या चौकी पर नियुक्त अधीनस्थों पर नियंत्रण जैसे समय पर ड्यूटी पर कर्मचारियों का जाना, ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का अपने ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहना, जनता के साथ कर्मचारियों का व्यवहार, अमन कमेटी, मोहल्ला सुरक्षा समिति, ग्राम समितियों के साथ बैठक की जा रही है अथवा नहीं, परीक्षण थाना प्रभारी द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं, थाना कार्यालय के अभिलेख अप टू डेट हैं अथवा नहीं, थाना मालखाने में लंबित मालों के निस्तारण में रुचि ली जा रही है अथवा नहीं, थाना प्रभारी द्वारा प्रतिमा मासिक निरीक्षण अपने हस्तलेख में किया जा रहा है अथवा नहीं, थाना कार्यालय भोजनालय एवं परिसर में साफ सफाई संतोषजनक है अथवा नहीं, कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण में थाने की बीट, गश्त, गाड़ाबंदी, पिकेटिंग एवं निगरानी का क्या योगदान है, थाने के कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए थाने के पूरे क्षेत्र को बीट्स में बांटना, थाने के प्रत्येक बीट में पुलिस गश्त को भेजना, थाना क्षेत्र में बीटवार संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाना, बहुपद्रव करने वाले विभिन्न लोगों की गतिविधियों पर गोपनीय रूप से निगरानी करना अति आवश्यक है। थाने के बीट्स का कानून व्यवस्था में काफ़ी योगदान है, इससे आम जनता के विभिन्न मामलों से संबंधित संभावित झगड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, सांप्रदायिक तनाव के बारे में, छात्रों के आंदोलन के बारे में, श्रमिकों के आंदोलन के बारे में, त्यौहार पर होने वाले संभावित उपद्रव के बारे में, VIP के आगमन के समय संभावित धरना प्रदर्शन के संबंध में, किसी आपराधिक घटना को लेकर संभावित धरना प्रदर्शन के संबंध में थाने के बीट्स से सूचना प्राप्त होती है, तदनुसार पूर्व में ही कार्रवाई कर निरोधात्मक कार्रवाई कर अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जाता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस गश्त का क्या योगदान है, इससे निम्न लाभ होते हैं, जैसे यातायात को व्यवस्थित करना, स्कूल कॉलेज के बाहर गुंडागर्दी को रोकना, सिनेमाघरों, रोडवेज, शराब की दुकानों पर झगड़ों की रोकथाम करना, बाजारों में आपसी मारपीट, उठाईगिरी व लूट की घटनाओं पर नियंत्रण लगाना, सभाओं और जुलूसों पर समुचित प्रबंध करना ताकि कानून व्यवस्था कायम रह सके। पुलिस गाड़ाबंदी का कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान, पुलिस टिकट गाड़ाबंदी से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी लाभ मिलता है, इससे सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील चौराहों या मोहल्लों में, स्कूल कॉलेज के बाहर, बैंकों के बाहर, महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, बिजली घर, जल संस्थान, रेलवे ब्रिज आदि, शहर से बाहर जाने वाले मार्गों पर, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय हेलीपैड पर तथा सभा स्थल पर निवास स्थान पे टिकटिंग से अपराध नियंत्रण में काफ़ी लाभ मिलते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की निगरानी का योगदान, इससे भी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में लाभ मिलते हैं।
सांप्रदायिक व्यक्तियों की निगरानी करके, राजनीतिक व्यक्तियों के छात्र नेताओं की निगरानी से, श्रमिक नेता यूनियन के पदाधिकारी की निगरानी से, किसान के नेताओं की निगरानी से, क्रियाशील अपराधियों की निगरानी से आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई पहले किया जा सकता है तथा अपराध नियंत्रित किया जा सकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी से लाभ, उपद्रव करने वाले लोगों की भावी योजनाओं की जानकारी की जा सकती है, उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमानत मुचलका कराया जा सकता है, उन्हें 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करवाकर उन्हें सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने से रोका जा सकता है, उन्हें गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जनपद से निष्कासित कराया जा सकता है, उन्हें धारा 151 में कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अपराध नियंत्रण के हेतु विधिक प्रावधान क्या है।